उसके लिए मतलब देखो वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोड वोड लिखना पड़ता है, लेकिन कोडिंग छोड़ के भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो डेवलपमेंट करते वक्त यूजफुल होती है। इसका एक पार्ट मतलब जो मैं जो बोलना चाहता हूँ वह ये है कि कई बार हमको फ्लो डिज़ाइन करना रहता है प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्लो की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फ्लो बनाते वक्त डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं अपने को। आप लोगों ने आपके एकेडमिक्स में कई बार देखा भी होगा, आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, आर्किटेक्चर डायग्राम, सिस्टम डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऐसा कुछ बनाते हो गया आप, ठीक है। वो बनाने का क्या तरीका है, मतलब क्यों बनाते हैं अपन? हाँ मतलब वो डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करने का पर्पस ये होता है कि भाई, और ये फ्लो डिजाइनिंग करना जो है हर यहाँ कॉमन है, मतलब हर प्रोजेक्ट में है। प्रोजेक्ट चाहे किसी भी चीज़ का हो, डॉट नेट, जावा, पाइथन, किसी भी चीज़ का हो, उसमें वो फ्लो इम्पोर्टेंट होता है। यही फ्लो हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी है, ठीक है। और ये ड्रॉ करना कंपलसरी होता है कंपनीज के अंदर। जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करके एक पार्ट होता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए राम और श्याम दो बंदे जिन्होंने आज 2022 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, लेकिन राम और श्याम सेम प्रोजेक्ट के ऊपर हमेशा रहेंगे क्या? नहीं, वो निकल जाएंगे, कहीं और अच्छा पैकेज मिला, कोई दूसरी बड़ी कंपनी के लिए निकल जाएंगे। तो राम और श्याम ने जो काम किया उसके उन दोनों के बाद जो आ रहे हैं उनको वो काम समझ भी तो आना चाहिए ना। तो फिर वो काम करने के लिए क्या लगेगा उनको? राम और श्याम तो नहीं है अभी कंपनी में, कोई दूसरे बंदे हैं, फिर उनको क्या मिलेगा? वो डॉक्यूमेंटेशन जो करके रखा वो उस टाइम में काम में आता, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारे फ्लो चार्ट्स, कि डेटा किधर से किधर फ्लो हो रहा है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। और हम कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई सपोज प्रोजेक्ट किया किसी ने, अब अभी मैं फिलहाल तो मिनी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो चाहे मिनी हो या मेजर हो, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट होता है। हम लोग किसी टॉपिक पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं अपन डायग्राम बनानी है क्या, डायरेक्ट नेट पे सर्च करते हैं, बराबर। देखो नेट पे जो भी चीज़ मिलेगी अगर किसी ने अपलोड की हुई है तो वो मिलेगा। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जो थीम तुम्हारा है, जो थीम तुम्हारा है, और उस थीम के ऊपर वो डायग्राम मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। तो फिर तुम्हें ये स्किल होना चाहिए कि तुमको फ्लो ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। और ये फ्लो ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, बस बात ऐसी कि अपन इस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, देखो अपना ये इंटर्नशिप का बैच है, प्रोजेक्ट है अभी, और प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन खुद करना है उसका, तो उस टाइम में आपको ये फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको फ्लो बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक ही वो है कि मैं सिस्टम डिज़ाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताने वाला हूँ। सिस्टम डिजाइंस, इसमें अलग अलग प्रकार की डायग्राम्स होती है। एक होता है आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है। दूसरा होता है यूज केस डायग्राम, और तीसरा होता है फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम जिसको बोलते हैं। ऐसे तीन प्रकार के डायग्राम है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, लेकिन ये तीन डायग्राम ज़्यादा चलती है, ठीक है। ओके, अब तुम लोगों को अगर मैंने बोला कि तुम डायग्राम बनाओ, तुम काय में बनाओगे? सपोज कोई भी डायग्राम है तुम कैसे बनाओगे? वर्ड में? हाँ मतलब अलग अलग ऑप्शन हैं तुम्हारे पास, क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे डायग्राम बनाने के लिए? अच्छा कभी बनाई डायग्राम? बनाइए काय में बनाइए, वर्ड में बनाइए, ठीक है, ठीक है, वर्ड फाइल में बनाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काय में बनाइए, पावर पॉइंट में बनाइए, बंद करूँगा। पावर पॉइंट में बनाइए, ठीक है, ओके। और कोई टूल आपको बताओ, क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, डायग्राम्स बनाए क्या इससे पहले तुम लोगों ने? और बनाए होगे तो काय में बनाए, प्रोजेक्ट के डायग्राम। अब तुम सभी पीजी लेवल पे हो तो यूजी में हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट तो होके गए होंगे ना,
अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है, आपने वो डायग्राम बनाए होंगे ना तो नहीं बनाए होंगे, सही है? ठीक है, अच्छा बता देता हूँ मैं। देखो पावर पॉइंट में भी डायग्राम बनती है और वर्ड में भी डायग्राम बनती है। वर्ड का ड्रॉबैक है एक। अच्छा अगर आपने वर्ड में डायग्राम बनाई, हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आज तुम्हारा सपोज आज तुम काम करने बैठे और तुम्हारा रिपोर्ट बना 30 पेजेस का, ठीक है, और तुमने 5वें नंबर के पेज में डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एरो है, बॉक्स है, सर्कल है, वो कंपोनेंट्स हिल जाते हैं अगर तुमने डेटा ऐड किया था। कभी देखा आपने ऐसा? कंपोनेंट्स हिल जाते हैं। तो मतलब वर्ड में अगर तुम कोई डायग्राम बनाते हो तो बोलने का मतलब ये है कि वो जो डायग्राम है उसका स्ट्रक्चर बदलते रहेगा, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो बेस्ट वे जो है डायग्राम बनाने का, देखो वैसे तो डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर सभी के पास में कॉमन है और वो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। PPT पर आप लोग बनाते हो, सभी के पास पावर पॉइंट होता है, राइट? तो उसमें भी हम डायग्राम बना सकते हैं, तो चलिए उसमें बता देते। अब डायग्राम बनाते कैसे, डायग्राम का पहला स्टेप क्या है? कोई भी डायग्राम ऐसा लिया डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई फ्लो है। मैं एक उदाहरण दे के आपको उस तरह के डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है। देखो इमेजिन कीजिए कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का फ्लो डायग्राम मतलब जो भी है डायग्राम्स बनाने का काम आपको दिया गया है, ठीक, पर आपको वो खुद करना है। तो पहले प्रोजेक्ट फिक्स करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्या है। मैं एक ईजी प्रोजेक्ट लेता हूँ, सपोज इमेजिन कीजिए कि हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं वो एक ईजी प्रोजेक्ट है, वो है कंपनी में जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है उसका, कंपनी एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा एक सादा सा प्रोजेक्ट मैंने इमेजिन किया कि चलो ये प्रोजेक्ट होगा। जब भी तुमको किसी चीज़ का फ्लो निकालना हो, पहले ये ध्यान में रखना कि प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस है, इसको बोलते हैं क्या क्या मॉड्यूल्स है। तुम लोगों ने मॉड्यूल नाम सुना कभी? आप लोग जब प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स मतलब क्या, मॉड्यूल्स मतलब आपके प्रोजेक्ट में जो अलग अलग ऑप्शन है वो, ठीक है। अब चलो इस प्रोजेक्ट के अपन फिलहाल के लिए सिर्फ डिस्कस करते हैं, आपने भी ऐसे करना। कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला, अभी आप इंटर्नशिप में सब अलग अलग प्रोजेक्ट करोगे, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में पहले जानकारी लो कि इस प्रोजेक्ट में है क्या, उसका अरेंजमेंट मैं अभी बताऊंगा और उस अरेंजमेंट को देख के डायग्राम कैसी बनती है बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आपको क्या लगता है, कंपनी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये अपना छोटा सा प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, क्या लगता है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय डिटेल्स, जो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना उसको आंखों के सामने लो, ठीक है। ये सब स्कैटर्ड रहेगा अलग अलग, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। क्या लगता है तुम्हारे दिमाग में क्या कह रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? हाँ मतलब उदाहरण लो ऐसा, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उदाहरण लो तुम्हारी खुद की कंपनी है और तुम्हारे पास 2-3 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इतने लोगों को मैनेज करना आसान बात नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ तो लगेगा, कोई सॉफ्टवेयर लगेगा, कोई एप्लीकेशन लगेगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो। तुम क्या सोचोगे, तुम अगर ओनर हो, सपोज TCS के ओनर हो तुम लोग, क्या सोचोगे कैसे मैनेज किया जाए, क्या क्या डेटा लगेगा तुमको? पहली बात, हाँ हम सिर्फ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, फिर मैं इसको अरेंज करूँगा प्रॉपर, पहले सिर्फ पॉइंट लिखेंगे। अभी ये जो कर रहे हैं ना अपन, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इमेजिन कीजिए कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का पहला फेज होता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर एनालिसिस करना कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। तो वो जो पॉइंट आएंगे ना तुम्हारे दिमाग में वो सिर्फ नोट डाउन करके रखो, ठीक है, वन बाय वन नोट डाउन करता हूँ। हर कोई अपनी अपनी बात बता सकता है, बताओ पहले सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, क्या होना चाहिए कंपनी मैनेजमेंट में? एम्प्लॉय डिटेल्स, बराबर, चलो ठीक है, किसी ने बोला भाई एम्प्लॉय डिटेल्स मैनेज होना चाहिए, अच्छा। और ठीक है पोजीशंस, ठीक है, मतलब डेजिग्नेशन उनके, मतलब पोस्ट, और जो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है,
ठीक है, लॉग इन कहीं तो भी, सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो हम क्या कर रहे हैं। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है अभी की कंडीशन में, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में इसके बारे में जो जो जानकारी आ रही है उसको सिर्फ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स है, डेजिग्नेशन मतलब हर एम्प्लॉय का अपना पोस्ट होगा, लॉगिन मतलब एम्प्लॉय लॉगिन वगैरह करेगा, करेक्ट। और क्या आता तुम्हारे दिमाग में, सैलरी हो बोला किसी ने, तो ये डेजिग्नेशन सैलरी बराबर डिपार्टमेंट ये सब इसके अंदर आ गए, है ना, कौन से डिपार्टमेंट में है आगे उसके अंदर। और बराबर एक ऐसा बंदा जो एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, एडमिन बोलते जिसको, बॉस, राइट। चलो तो लॉगिन में मैं डाल देता हूँ, लॉगिन में किसका मॉड्यूल, लॉगिन एडमिन का लॉगिन, बरोबर। अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो फिर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए क्या, चलो ठीक है, एम्प्लॉय मतलब लॉगिन में दो लॉगिन्स आ गए। और क्या कर सकते हैं आपको लगता है, चलिए श्रेयस ने बोला शिफ्ट, एम्प्लॉयज की शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट होता है ना, चलो ठीक है। और पोजीशन, प्रोजेक्ट्स, काय के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, राइट, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट उसके। और प्रोजेक्ट्स आए तो फिर डेडलाइंस भी आई, बराबर, ओके ठीक है। जो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब डालो उसके, ठीक है, मतलब अगर कोई क्यूरी आई तो उसमें हेल्प होना चाहिए, उसको सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट। मीटिंग शेड्यूल्स, ठीक है, मीटिंग्स होती है कंपनी में, ठीक है, ओके। और ठीक है, चलिए हमने अभी क्या किया वो जान लेते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमारे दिमाग में जो जो वर्ड्स आते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए वो सब सब कुछ हमने लिख दिया। अभी की कंडीशन में ये रॉ डेटा है, ये कोई फॉर्मेट में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब स्टेप्स कैसे फॉलो किया जाए, मतलब इसको अरेंज कैसे किया जाए, हमेशा ये प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट हो उस प्रोजेक्ट को कौन कौन इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में सोचना। कोई भी प्रोजेक्ट, दुनिया के सारे प्रोजेक्ट जो है वो किसी ना किसी के यूज़ के लिए बने हुए हैं, बराबर। उदाहरण के तौर पे तुम्हारे मोबाइल उसका यूज़र है, तुम लोग खुद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। फेसबुक उसमें भी यूज़र है, उसमें भी एक साइड एडमिन होगी मतलब जो ओनर होगा वो होगा, और एक साइड सभी यूज़र्स लोगों की होगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वो। ऐसा ही यूट्यूब है, हर चीज़ में हर प्रोजेक्ट में एक ऑप्शन होता है, वो प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया गया है उसके बारे में सोचना। अब मुझे बताओ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, ये प्रोजेक्ट दो लोगों के काम में आता, एक जो ओनर है वो, बराबर, क्योंकि ओनर को मैनेज करने हैं एम्प्लॉय के, हाँ भाई मेरे पास 2000 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 100 लोग सपोज आईटी सपोर्ट में काम कर रहे होंगे, 1200 लोग सपोज टेस्टिंग में काम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ चाहता हूँ ना मैं, मतलब मैं डेटा जो है वन क्लिक चाहता हूँ। तो ये डेटा जो चाह रहा है वो कौन है, यूज़र ही तो है, मतलब ओनर है वो। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में दो लोग हैं। अब देखो ध्यान दो, हमने सिर्फ पहले एनालिसिस कर लिया, ये है तुम्हारा रॉ डेटा, ठीक है, तुमने सिर्फ रॉ डेटा जमा कर लिया कि हाँ भाई क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये होना चाहिए, तुमने वो लिख दिया। अब उसके आगे, अब इसके यूज़र मतलब इसको कौन इस्तेमाल करने वाला है उसके बारे में सोचना हमेशा। इसको दो लोग इस्तेमाल करने वाले, एक खुद एम्प्लॉय है बराबर, और दूसरा एडमिन है। समझ में आ रहा है क्या, कौन लोग इस्तेमाल करने वाले इसको, खुद एम्प्लॉय और एक एडमिन, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
चलिए, क्या लगता है तुमको एम्प्लॉय क्या कर सकता है? सपोज अब तुम लोग ऐसा समझो कि तुम लोग अभी टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय को अपना एक यूजर नेम पासवर्ड होता है सिस्टम में लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के बाद उसके उसको ट्रैक किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस, मतलब तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कितना काम हो गया है, मतलब परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है उसके अंदर। अच्छा, ये ट्रैकिंग कोई तो भी देख रहा होगा ना, इसलिए ट्रैक कर रहा ना, कौन देख रहा होगा? एडमिन देख रहा होगा, करेक्ट है? ठीक, तो अब इस डेटा को अरेंज करते हैं, कौन क्या क्या कर सकता है। शुरुआत करते हैं अपन एडमिन पार्ट से, ठीक है? एडमिन पार्ट से, जिसने ये जिसके लिए सॉफ्टवेयर खास करके बनाया गया है, एडमिन को मैनेज करना आसान हो भाई एम्प्लॉय को। इसलिए सबसे मेन चीज़ एडमिन ने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो एडमिन को लॉगिन होते चाहिए, आना चाहिए भाई सिस्टम के अंदर, बराबर? वो लॉगिन करेगा, उसके बाद में कुछ दिखेगा ना। लॉगिन क्यों जरूरी है? अबे लॉगिन नहीं दिया तो कोई भी यूज़ कर लेगा ना उसके एप्लीकेशन को, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए लॉगिन देना ज़रूरी है। चलो ठीक है, मतलब एडमिन को लॉगिन करते आना चाहिए। दूसरा, एडमिन क्या करता है, जाहिर सी बात है, इमेजिन करो नई नई कंपनी खोली है, एक भी एम्प्लॉय नहीं है। आज सपोज नई कंपनी खोली है और एक भी एम्प्लॉय नहीं है, और 2 दिन बाद एक एम्प्लॉय का हायरिंग हुआ, तो एडमिन क्या करेगा? एग्जैक्टली, एडमिन उसका रिकॉर्ड तो ऐड करेगा ना, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना अपन। इसका मतलब एडमिन क्या करेगा, ऐड करेगा एम्प्लॉय को, सही है? आप लोगों को ये नोटिस करना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को ये नोटिस करना है कि मैं कौन से क्वेश्चन खुद को ही पूछ रहा हूँ और खुद ही उसके जवाब दे रहा हूँ, और उस जवाब में डेटा बनते जा रहा है। प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए ये मैंने इससे पहले आपको पूछा, आप लोगों ने जो जवाब दिया, सब हर किसी का जवाब अलग अलग था, ठीक है? हमने ये सभी के सभी कलेक्ट किए, अब उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक? अच्छा, एम्प्लॉय को ऐड कर सकते। इमेजिन करो राम पाटिल नाम का एम्प्लॉय आया, ठीक है, उसको मैंने ऐड कर लिया। टाइप करते करते मेरे से गलती होगी, राम पाटिल हो गया, एक्चुअली उसका नाम था राम पटेल, लेकिन मैंने ऐड कर दिया, और फिर मेरे ध्यान में, अरे यार पटेल चाहिए, पाटिल हो गया, तो फिर अपडेट करूँगा, बराबर। इसका मतलब एडमिन क्या कर पाए, अपडेट भी कर पाए, मतलब यहीं पे मैं ऐड अगर कर सकता है एडमिन, तो फिर अपडेट नहीं कर सकता क्या? अपडेट भी करते रहना चाहिए। और हो सकता है राम ने 6 महीने काम किया और राम को अच्छी जॉब लग गई है कहीं, तो राम छोड़ के चल जाएगा ना, तो फिर उसका रिकॉर्ड डिलीट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे हम चाहे तो रिकॉर्ड को डिलीट भी कर पाए, मतलब एडमिन क्या कर रहा है, लॉगिन भी कर रहा है, यूज़र को ऐड भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है, करेक्ट? और क्या कर सकता है एडमिन, उदाहरण के तौर पे उसको सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, तो फिर वो क्या कर सकता है, शो एम्प्लॉय भी कर सकते, एक ऑप्शन रहेगा शो एम्प्लॉय, वहाँ पे क्लिक कर दे तो सभी की लिस्ट मिल जाने को ना। और क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं? ओके ओके, और एक चीज हो सकता है कि भाई धीरे धीरे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक एम्प्लॉय से स्टार्ट हुआ, अब 2000 एम्प्लॉय है, और उसमें से मुझे एम्प्लॉय सर्च करना है कि राम पटेल कौन से पोस्ट पे है, तो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए। सर्च में भी अलग अलग प्रकार होते हैं सर्च करने के, 2000 लोगों में हो सकता है राम पटेल नाम के 4 बंदे हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक ही नाम के 2 बंदे हो सकते हैं, तो सर्च बाय व्हाट, आप चाहो तो सर्च बाय नेम कर सकते हो, आप चाहो तो सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे जो होता है सर्चिंग का, वह एम्प्लॉय आईडी से होता है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होता,
आप चाहे तो सॉर्ट करके डेटा निकाल सकते हो, सपोज सर्च बाय डिपार्टमेंट, कि को डायरेक्ट मैंने अगर मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि भाई टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, टेस्टिंग सिलेक्ट किया तो टेस्टिंग का डेटा आना चाहिए, बराबर। तो हम ये जो कुछ लिखते जा रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं वो सोचो। दिज ऑल आर द फीचर्स, हम एडमिन को ये चीज़ हम किसके लिए बना रहे हैं, एडमिन के लिए बना रहे और एम्प्लॉय के लिए बना रहे, और हम ये फीचर्स उनको दे रहे हैं, राइट। ठीक है, और क्या कर सकते, चलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें हमने बात किया कि भाई प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी डालते हैं, बराबर। तो प्रोजेक्ट भी तो ऐड अपडेट डिलीट होंगे ना, प्रोजेक्ट भी चलते रहेंगे, बराबर। मतलब ये जो ऐड अपडेट डिलीट है प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आएंगे जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट्स होंगे, प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद डिलीट हो जाएगा, राइट। तो वो भी होगा उसके अंदर, क्लियर। ठीक है, चलो डेडलाइन। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड अपडेट डिलीट मतलब उसके अंदर डेडलाइंस आ गई है, प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं मतलब अपन क्या स्टार्टिंग डेट भी रहेगा उसके अंदर और डेडलाइन भी रहेगा, ठीक। और एक लास्ट में पार्ट ऐड कर देता हूँ, चलिए लॉग इन किया तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, यही रोक देता हूँ इसको। सोचा जाए तो इसको बहुत लंबा कर सकते हैं अपन, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक लेवल पे आपको बताना चाहता हूँ ऐसा होता है। तो अभी ये जो कुछ किया तुम लोगों ने, ये क्या बनाया तुमको पता है? तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके हिसाब से ये पता चलता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर दो मेन मॉड्यूल है, और उस मेन मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है एडमिन, और एडमिन के अंदर इतने सब मॉड्यूल्स हैं। समझ में आ रहा है? मॉड्यूल्स मतलब फीचर्स, मॉड्यूल्स मतलब काम क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स मतलब ऑप्शंस कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर में या फिर वेबसाइट में इस प्रोजेक्ट में इतने इतने ऑप्शंस चाहिए, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। समझ में आ रहा है? मॉड्यूल्स काय को बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एकेडमिक्स में या फिर अभी प्रोजेक्ट जब तुम प्रेजेंट करते हो तुम्हारे गाइड के सामने, तब गाइड पूछता कि क्या क्या मॉड्यूल्स है उसके अंदर, तो हम मॉड्यूल्स नहीं बता पाते, कई बार ऐसा होता है। गाइड तुमको मॉड्यूल पूछ रहा है मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट की खासियत पूछ रहा है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, तो तुमको ये बोलते आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। मैंने सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया, अब एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय क्या कर सकता है? चलो ठीक है, इमेजिन करो आप नए नए लगे और ये एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर लॉगिन तो करना पड़ेगा ना तुम। चलिए, मतलब तुम सबसे पहले क्या करोगे, एम्प्लॉय क्या करेगा, लॉगिन करेगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लॉगिन किया, और एम्प्लॉय में लॉगिन किया तो एम्प्लॉय खुद की इंफॉर्मेशन भी देख पाए, या फिर चाहे हो सकता है कि भाई नाम गलत हो गया, मुझे पता है मेरा नाम गलत हो गया तो मैं अपडेट कर पाऊँ, हाँ, लेकिन किसी और की नहीं, सिर्फ खुद इस चीज़ को बोल सकते हैं अपन एडिट प्रोफाइल, करेक्ट। ठीक है, और क्या कर सके, एम्प्लॉय को ये दिख पाए कि वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि एडमिन प्रोजेक्ट असाइन करेगा ना उसको, तो इसको पता तो चलना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस प्रोजेक्ट पे डाला गया है, मतलब उसको प्रोजेक्ट डिटेल्स भी देख पाए वो। राइट, उसके बाद में और क्या कर, एम्प्लॉय जब लॉग इन होता है तब उसको प्रोजेक्ट के बारे में भी दिखता है। अब प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ आ गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, प्रोजेक्ट का डेडलाइन क्या है मतलब कब तक कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस भी ट्रैक होता है और उन सॉफ्टवेयर में ये चीज़ होती है, ठीक है। चलो, और एक चीज़ ऐड कर देते अपन, शिफ्ट कर देते मैं, इजी कर देता हूँ इसको, एक चेंज पासवर्ड करके कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है यूज़र नेम पासवर्ड कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं और फिर आप लगे तो उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक लिखता हूँ मैं चेंज पासवर्ड, और लास्ट में देता हूँ मैं लॉग आउट। चलो, ये छह काम जो है मुझे करते आने चाहिए।
दिख रहा है? मतलब देखो अभी जो मैंने ड्रॉ किया इसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि मेरे पास दो मॉड्यूल्स हैं मेन, और उन दोनों ही मेन मॉड्यूल में 6 सब मॉड्यूल्स हैं। एम्प्लॉय में भी 6 ऑप्शंस हैं और एडमिन में भी 6 ऑप्शंस। क्लियर हुआ? ये जो किया अपन ने, ये जो किया इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कुछ ये वर्ड सुने हुए लग रहे हैं, कहीं तो भी सुने होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट होगा तो, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वाटरफॉल मॉडल, ऐसा कुछ सुना है? डिजाइनिंग, टेस्टिंग, ये सभी चीज़ें। अच्छा, अभी तो अभी शुरुआत के फेज में। तो मैंने ये बताया आपको कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने सिर्फ रॉ डेटा तैयार किया था, और उस रॉ डेटा को देख के मैंने फिर अभी एक क्लीन डेटा तैयार किया। ये है प्रोसेस डेटा, प्रोसेस्ड है, एकदम ओके है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, बराबर। तो इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स, ये है मॉड्यूल्स। और इसके बाद किया जाता है मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन मतलब एक एक पॉइंट को लिखा जाता है कि हाँ भाई लॉगिन करना है तो लॉगिन में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय को ऐड करना है तो एम्प्लॉय को ऐड करते वक्त क्या होना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग फील्ड लगेगा, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन से डिपार्टमेंट में ऐड करना है, शो एम्प्लॉय अगर क्लिक करना है तो शो एम्प्लॉय मतलब क्या, शो एम्प्लॉय ऐसी बटन क्रिएट करना है कि भाई क्लिक करते पर पूरा डेटा ओपन होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज का। तो ये जो है ना ये लिखना पड़ता है फिर पॉइंट्स में। इसीलिए तुमने कभी गौर अगर किया होगा तो तुम्हारे जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती है, जैसे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक याद है क्या, देखा है इसको, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, फिर होता है मॉड्यूल्स, क्या क्या मॉड्यूल्स है, और उसका डिस्क्रिप्शन, फिर होता है तुम्हारी डायग्राम्स, और फिर होता है कि तुम ये प्रोजेक्ट काय में बना रहे हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर अभी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये सभी चीजें ऐसे, मतलब ये बेसिक फॉर्मेट है, ऐसा तो बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है लेकिन ये बेसिक फॉर्मेट होता है जब अपन कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, मॉड्यूल क्या क्या है तुम्हारे, डायग्राम्स क्या है, और उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मतलब कायम में बनने वाला है। हर एप्लीकेशन हर लैंग्वेज में बनेगा ये जरूरी नहीं होता, इसलिए हर लैंग्वेज अलग अलग है। जावा में अलग तरह के बनेंगे एप्लीकेशन, डॉट नेट में अलग बनेंगे, पाइथन में अलग, सी शार्प में अलग, हर किसी में अलग अलग बनता है, ठीक है, इसलिए उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको मॉड्यूल्स कैसे मतलब बनाए मैंने, ये समझा क्या? क्योंकि अब इसके बाद का जो फेज़ होता है ये होता है डिज़ाइन वाला फेज़। तुमने ये फिक्स कर दिया कि हाँ भाई अपने को कैसा करना है, ये फिक्स कर दिया, अब होता है डिज़ाइन वाला फेज़। अब देखो डिज़ाइन, इसके ऊपर से डिज़ाइन कैसे बनाए, मतलब मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अगर तुमको प्रोजेक्ट दूँ और मैं बोलूँ कि मुझे इसके डायग्राम्स बना के चाहिए तो तुमको बनाते आने चाहिए, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर टास्क है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप डायग्राम्स बनाते हैं। देखो ये सभी डायग्राम्स जो है, हम ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट सॉरी टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा जो वर्ड पैड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ड में इसका इस्तेमाल मतलब ये डायग्राम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि डायग्राम बिगड़ जाती है। वो डायग्राम बनाते वक्त अगर कोई कॉमन सॉफ्टवेयर तुमको यूज़ करना है तो वो होता है तुम्हारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब कोई PPT उसके ऊपर बनाना है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना के रखे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखो जस्ट डबल क्लिक करता हूँ मैं, दिख रहा है क्या आपको ये डायग्राम?
देखो डायग्राम दिख रहा है जी, इस डायग्राम में देखो क्या क्या पार्ट है। दो टुकड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, एक यूज़र साइड है एक एडमिन साइड है। यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा वगैरह वगैरह, एडमिन फिर वैलिडेशन करेगा, ये सारी सभी इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर्ड हो रही है कहीं तो भी, करेक्ट। ये यूज़र की पूरी साइड है, मतलब यूज़र क्या क्या कर सकता है ये है, और एडमिन क्या क्या कर सकता है ये है। बस इसको देख के अपने को अपनी डायग्राम बनानी है, ठीक है। देखो हमारी डायग्राम ऐसे ही कुछ बनेगी ना मिलती जुलती, क्योंकि हमारे पास भी यूज़र है और उसके ऑप्शंस है, हमारे पास भी एडमिन है और उसके ऑप्शंस, और ये सभी इंफॉर्मेशन कहीं तो भी स्टोर्ड होने वाली है, मतलब डेटाबेस भी रहेगा, सही है। चलिए बनाते हैं, देखो बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे ये जो बना रहे हैं ना अपन, ये है आर्किटेक्चर डायग्राम। एक काम करते हैं, देखो जितना जितना आता है उतना उतना कर लेते हैं। देखो दो बॉक्सेस जो है वो मेन मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक साइड में यूजर रखा और दूसरे साइड में एडमिन रखा। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूजर को रजिस्ट्रेशन करना पड़े पहले, तो इसलिए मैंने एक बॉक्स रखा रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं वो चेक होगा, और चेक होने के बाद कहीं तो भी स्टोर होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा एक मतलब सर्कल ये किया जाता है। एक्चुअली ये डायग्राम जो है वो क्लाउड की है, इसलिए ऐसा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन लेता हूँ कि लगना चाहिए भाई कि ये चीज़ जो है वो डेटाबेस के अंदर गई। तो यहाँ पर शेप में डेटाबेसेस का ऑप्शन होता है ये वाला, आप सभी लोगों ने DBMS ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर डायग्राम देखी होगी, ये डेटाबेस है। चलो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, तो इसको एडिट कर देते, ये अपना डाटाबेस, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। मतलब क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, डाटाबेस के अंदर। अब यूज़र के अंदर ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस मैंने लिए एक्चुअली, ठीक है। इन बॉक्सेस में आपको क्या करना है, वो डेटा पुट करना है, कौन सा वाला, ये वाला। हमें करना ही क्या है, जो चीज़ें चाहिए हमको वो लिखना है ना वहाँ पे, क्या क्या ऑप्शंस है। लॉगिन होना चाहिए यूज़र, प्रोफाइल एडिट करते आना चाहिए, प्रोजेक्ट डिटेल दिखती आनी चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। चलो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखो यार, मैंने ये पहले ही बना के रखा है, पहला वाला ऑप्शन, ये सब मॉड्यूल्स है, ठीक है, इसलिए ये बॉक्स में रिप्रेजेंट होंगे। क्या कर सकता है ये बंदा, लॉगिन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन का आएगा आपके पास, एडिट प्रोफाइल का, तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल कर दिया मैंने। तीसरा ऑप्शन का आएगा आपके पास में, प्रोजेक्ट डिटेल का है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल कर दिया। और क्या है उसके अंदर देख लेते हैं, परफॉर्मेंस है, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट है, ठीक। फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये है सपोज परफॉर्मेंस, चलो या इसको कर देता हूँ मैं चेंज पासवर्ड, और आखिर वाला लॉगआउट का ये सॉरी यहाँ पे लॉगआउट कर देता, लॉगआउट, ठीक है, हो गया। मतलब एक साइड मैंने पूरी डेवलप कर ली है, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया डिलीट, सिलेक्ट करो डिलीट, सिलेक्ट किया डिलीट, और इसको भी सिलेक्ट करो डिलीट हो जाएगा, बराबर। अच्छा इस साइड में ये साइड है अपनी एडमिन की, बराबर। चलो तो एडमिन की साइड में वैसे कर देते, उनको ऊपर ले लो। ये PPT मैं तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। सेव किया, चलो एडमिन में क्या क्या होना चाहिए, उसमें भी लॉगिन है, देख लेते उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। देखो एडमिन में भी लॉगिन है, ऐड अपडेट डिलीट एम्प्लॉई है, शो एम्प्लॉई है, सर्च सर्च में भी सब मॉड्यूल्स है, बना लेते क्या है उसमें। चलिए
इस साइड में ये क्या है, एडमिन भी लॉगिन कर सकता है, उसके बाद में एडमिन ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है। तो मैं यही पे शॉर्टकट में लिखता हूँ ऐड अपडेट एंड डिलीट एम्प्लॉय, और क्या कर सकता है, शो कर सकता है एम्प्लॉय, करेक्ट। और इसके जैसा ही और एक बॉक्स चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको ही मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट वहीं पे आ गया। देखो बराबर, और दो तीन लगेंगे इसके जैसे, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, और चाहिए कंट्रोल वी पेस्ट। डन, चलो एडिट कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए अभी, शो एम्प्लॉय के बाद में सर्च है राइट, और सर्च में भी आप और छोटे छोटे बॉक्स निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं कि सर्च में क्या होता है, सर्च बाय नेम, सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी वगैरह वगैरह, ऐसा कर सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी। उसके बाद में क्या है, मैं मेन मेन पॉइंट ले रहा हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट है और लॉगआउट है, चलिए प्रोजेक्ट है और दूसरा है लास्ट वाला है लॉगआउट। सेव हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें वर्ड पैड फाइल में डालना रहता ना, ये तो पावर पॉइंट है, अगर मैं ऐसा का ऐसा इसको कॉपी करूँगा तो ये स्ट्रक्चर हिल जाएगा। ये आपको ऐसे के ऐसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बनाना पड़ेगा आपको इमेज, और एक बार अगर इमेज बन गया तो ये फिक्स हो जाएगा, कंपोनेंट्स नहीं हिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्या करना चाहिए, देखो ये है अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम, मैं इस एरो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इतना, ओके अब ये परफेक्ट लग रहा है। चलो इसको सेव करते हैं, ये अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेव कैसे करना, इमेज कैसे बनाना, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो सिंपल, और इसको राइट क्लिक एंड सेव एज पिक्चर, ऐसा ऑप्शन आता है हमेशा, क्लिक करो आप, और इस तरह की इमेज सेव करता ना करते वक्त जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना चाहिए JPG फॉर्मेट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, PNG है, अगर PNG फॉर्मेट से सेव करोगे तो अगर तुम्हारे पेज का, जिस पेज के ऊपर तुम पेस्ट करने वाले हो उस पेज के ऊपर अगर कोई बैकग्राउंड कलर होगा तो ऑटोमेटिक वही बैकग्राउंड कलर उस इमेज को भी लग जाएगा, तो इसलिए हमारी इमेज क्लीन दिखनी चाहिए। तो इमेज क्लीन दिखते वक्त पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तब जाके क्लीन दिखेगा, तो इसीलिए हमेशा सेव करते वक्त JPG फॉर्मेट में ही सेव करना। क्लियर हुआ, ठीक। अब सपोज मैंने JPG फॉर्मेट में सेव किया और यहाँ पे लिखा मैंने वन, नाम देता हूँ मैं आर्किटेक्चर, ये मेरी आर्किटेक्चर डायग्राम, और एंटर लगाया, डेस्कटॉप का पाथ सेव दिया था मैंने, रिफ्रेश, आया क्या आप देखते, अच्छा 3D ऑब्जेक्ट्स हो गया क्या, ठीक है यहाँ पे गया, ओके हाँ ये यहाँ पे है, जरा इसको ओपन करके देखते हैं, सीधा चेंज लग रही ना डायग्राम, ये जो डायग्राम ड्रॉ की है ये है तुम्हारी आर्किटेक्चर डायग्राम, इससे ही पता चल रहा है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, देख के ही पता चल रहा है तुम्हारे प्रोजेक्ट में दो मॉड्यूल्स है, यूज़र है एडमिन है, यूज़र क्या क्या कर सकता है वो है, एडमिन क्या क्या कर सकता है वो है। मतलब किसी टेक्निकल बंदे को अगर बोल दिया कि सर अपने को ये प्रोजेक्ट बनाना है और उसको ये डायग्राम दे दी, तो उसको समझ जाएगा कि उसको क्या क्या मॉड्यूल्स करने हैं, उसको ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदा होता है, इसीलिए आपको दिए गए सिलेबस में है वो चीज़, और कंपनी में भी ऐसे आर्किटेक्चर स्टडी करते आना चाहिए, ड्रॉ करने पड़ते हैं तो करते तो आने चाहिए पहले, तो वो बनाने का तरीका बहुत आसान है, समझ में आया कैसे बनाया हमने। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको, ये देखने के बाद आपके माइंड में जो भी प्रोजेक्ट होगा या फिर आप भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे उस टाइप का डायग्राम जो लगेगा वो आप खुद बनाते आना चाहिए, समझा कैसे किया।
ठीक है, क्लोज किया। अब इनको यूज करना है, सपोज अब यूज कैसे करना है, क्योंकि ये तो इमेज है ना, सिंपल है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखिए जैसे कि ये है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट, एक फाइल है मेरे पास में, ओपन करता हूँ वर्डपैड की फाइल ओपन करता हूँ, और उसके अंदर मुझे वो इमेज चाहिए। सपोज ये कोई प्रोजेक्ट है, सपोज उसके स्क्रीनशॉट है और वो इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए। डायग्राम्स को इमेज कर इमेज में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि डायग्राम्स जो है, मतलब उसके अंदर के कंपोनेंट जो है वो फिक्स हो गए। अभी देखो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया और पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट सी ओके। और यही अगर इमेज मैंने वर्डपैड फाइल में अगर ड्रॉ करनी होती, देखो मैंने यहाँ पे अगर की होती तो यहाँ पे क्या होता था, मुझे ये लेना पड़ता था, उसका अलग अलग प्रकार के शेप्स लेने पड़ते। देखो यहाँ पे शेप्स है, यहाँ पे यह है ठीक है। उसके बाद में एक दो शेप लेके दिखा देता हूँ आपको, ये एरो है सपोज ठीक है, उसके बाद में ये वो है, फर्क देखो। हाँ अब अगर आपका डेटा इधर बढ़ा, आपने ऐसा कुछ टाइप किया और डेटा बढ़ रहा है, ध्यान दो, समझ में आ रहा है क्या? और अगर कभी 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 कर्सर इसके बीच में चला गया, देखो मतलब ये वर्ड पैड में किया हुआ चेंज है, वर्ड से बनी हुई डायग्राम, इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो उसके अलग अलग कंपोनेंट सिलेक्ट हो रहे। गलती से इसको अगर मैंने मूव कर दिया तो ये ऐसा हो रहा है, मतलब डायग्राम जो है हिल रही है आपकी, इसलिए वर्ड के अंदर डायग्राम नहीं बनाया करते। और ये डायग्राम देखो जो आपने बनाई है, ये फिक्स है, इसके कंपोनेंट नहीं हिलेगे अभी, क्योंकि वो इमेज बन चुकी है अभी। समझ में आया? ये ऐसा करना रहता है। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? ठीक। अब देखिए मैंने आपको बाकी भी डायग्राम्स बताई थी कि भाई आर्किटेक्चर डायग्राम होती है, यूज केस डायग्राम होती है और फ्लो चार्ट होता है। एक अगर आर्किटेक्चर डायग्राम बन गई तुम्हारी तो ये बाकी डायग्राम बनाना 5 मिनट का खेल है। देखो देखो ये है तुम्हारी फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम। जरा इस डायग्राम को देखो एक बार। तुमको क्या करना है, सिर्फ एडिटिंग ही करना है ना, कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन होती है अपने प्रोजेक्ट में। देखो ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट एक्चुअली स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है, आपको पता होगा, तो स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन यहाँ पे भी स्टार्ट किया, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, दो तरह के यूज़र लॉग इन होंगे, एक यूज़र है और एक खुद एडमिन है। यूज़र मतलब आपका एम्प्लॉई है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको एम्प्लॉई ठीक। हाँ इधर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन, वो लॉग इन करेगा, एक तो लॉग इन होगा नहीं तो नहीं होगा, अगर लॉग इन हुआ तो क्या क्या करना चाहिए वो सभी चीज़ें। अब लॉग इन होने के बाद क्या क्या करना चाहिए वो तो अपने आर्किटेक्चर डायग्राम में लिखा ही हुआ है ना, वो सभी बॉक्स फिर से यहाँ पे आएंगे। मतलब ये जो डेटा है, ये जो फाइल है अपने जो ये जो बनाई है, ये एडिट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट डिटेल, परफॉर्मेंस, चेंज पासवर्ड, वो फिर से मुझे इन सभी डब्बों में, ये बॉक्सेस में लिखना पड़ेगा। ये सभी बॉक्सेस एडिटेबल है, ऐसे ही एडमिन में, एडमिन के भी सभी बॉक्सेस में एंट्रीज करनी पड़ेगी, हो गया, और इसको सेव करना पड़ेगा बस। मतलब मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है प्रॉपर और सिर्फ पुट करना है, उसको बन जाएगी आपका डायग्राम्स। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अगर डायग्राम बनानी तो 15-20 मिनट में डायग्राम्स रेडी हो जाएगा। और नॉर्मली इन चीज़ों के लिए कितना अपन इधर उधर ढूंढते हैं, नेट पे इधर उधर सर्च करते और नहीं मिलते अपने को, तो डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। समझ में आया? ये थी तुम्हारी फ्लो चार्ट, बस तरीका अलग है, दिखने में अलग है देखो, लेकिन डेटा एक जैसा है। समझो इस चीज़ को, ये है तुम्हारा आर्किटेक्चर, इसमें जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है वही सभी बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गई है नीचे, बस देखो यहाँ पे है। बाकी ऊपर क्या है, ऊपर मतलब एड यूजर और एडमिन यही है ना,
यूज़र लॉगिन होने के बाद नीचे क्या होना चाहिए और एडमिन लॉगिन होने के बाद नीचे क्या होना चाहिए, बस। और एक डायग्राम होती है, वो होती है यूज़ केस डायग्राम। और यूज़ केस डायग्राम जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल होती है मतलब जैसे कि ये दो डायग्राम देखो, इन डायग्राम्स में हमने दो कंपोनेंट क्या काम कर सकते हैं वो बता दिया एक ही डायग्राम में। यूज़ केस डायग्राम जो होती है वो एक सिंगल कंपोनेंट क्या क्या काम कर सकता है वो होता है। जैसे कि आपके पास यूज़र है, आपके पास एडमिन है, तो यूज़र मतलब आपका एम्प्लॉय क्या क्या कर सके, तो उसका ऐसा डायग्राम होता है। देखो ये होती है यूज़ केस डायग्राम। करना ही क्या है आपको, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस ये जो बॉक्सेस है इन बॉक्सेस में यूज़र जो करे मतलब हमारा एम्प्लॉय जो करेगा वो चीज़ों को डालना पड़ेगा। अब वो अलग अलग थोड़ी काम करेगा, अगर आर्किटेक्चर में तुमने लिख के रखा कि वो ये काम करने वाला है, तो यही काम तुम्हारे फ्लो चार्ट में भी रहेंगे और वही काम तुम्हारे यूज़ केस में भी रहेंगे, हो गया। और अगर एक यूज़ केस तुमने यूज़र का बनाया तो वैसा ही दूसरा यूज़ केस तुम्हारा एडमिन का रहेगा, हो गया। समझ में आया, मतलब ये डायग्राम्स बनाना बहुत आसान चीज़ होती है, ठीक है। बस तुमको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए प्रॉपर। क्लियर हुआ क्या, कैसे कर सकते, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सिर्फ एक डायग्राम इम्पोर्टेंट है आपके पास। अगर एक डायग्राम तुमने बना ली है तो उन्हीं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके तुम बाकी सभी डायग्राम्स बना सकते हो। क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट समझे आपको, डन। ठीक है, अब आप लोगों के लिए टास्क। अभी देखो, वैसे तो मैं ये जो हमने किया, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप खुद एडिट कर पाओ, लेकिन ये पीपीटी मतलब आपके लिए सिर्फ हेल्प है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी पीपीटी आप नए से बनाओ, खुद अपनी मर्जी से बनाओ। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो एरोज है ये ऐसे का ऐसे लेने पड़ते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए जो सामने वालों को समझ में आए, बस जिसको देख के लगे कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, बस इतना ही लॉजिक उसके पीछे। क्लियर, अब आपको मैं दो तीन प्रोजेक्ट की लिस्ट बताता हूँ, आपकी मर्जी से आपको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगे आप चूज कर लो और उसका मुझे डायग्राम बना के लगेगा, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। और ये जो मैंने लिखा सब कुछ ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो, प्रोजेक्ट की लिस्ट चाहिए, आप अपनी मर्जी से चूज कर लो तुमको क्या कौन सा प्रोजेक्ट ठीक ठाक लगता है, और अपनी मर्जी से उसका डायग्राम्स बनाना है, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है अपना अपना इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट में अलग अलग बैचेस रहती है, अलग अलग बैच के स्टूडेंट रहते हैं, अलग अलग बैच की फीस अलग अलग रहती है, बराबर। हर बैच का अपना ड्यूरेशन होता है, तो एडमिन को क्या चाहिए, उदाहरण के तौर पे तुमने खुद को इमेजिन करना कि तुम खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो और तुमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो तुमको क्या क्या करना है, तुमको मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मॉड्यूल की लिस्ट भी लगेगी तुम्हारे तरफ से और उसके डायग्राम्स भी लगेंगे, ठीक है। तो यह है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट लेंगे अपन, अगर छोटे प्रोजेक्ट अच्छे से आ गए इसका मतलब बड़े कर ही सकते हैं। एक है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है मूवी टिकट बुकिंग जो कल किया अपन ने, उसकी डायग्राम्स। तीसरा है कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, और चौथा है लाइब्रेरी विजिटर।
चार प्रोजेक्ट को, ये चार प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मैं तुमको, तुम अपनी मर्जी से कोई भी चूज करो। लाइब्रेरी विजिटर समझा क्या क्या है? लाइब्रेरी विजिटर में आपको बुक मैनेजमेंट नहीं करने हैं। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तब लाइब्रेरी में देखो एक बुक पड़ा रहता है, उस बुक के ऊपर आप एंट्री डालते हो, आप अपना नाम लिखते हो कौन से क्लास का है, और आप सिग्नेचर मारते हो और कितने बजे आए, सपोज 11 बजे आए, ऐसा लिख के बैठ जाते हो लाइब्रेरी में। 1 घंटा आपने स्टडी किया और आप अभी उठ के जा रहे हो, जाते वक्त फिर से वही बुक खोलते हो बराबर, और आपका आउट टाइम मतलब आप कितने बजे जा रहे हो वो लिखते हो, राइट। ये जो चीज़ है ये अपने को सॉफ्टवेयर में चाहिए, यहाँ पे बुक मैनेजमेंट नहीं है। कौन आया कौन गया, आते वक्त टाइप होता है। लाइब्रेरी सिर्फ यूज़र मतलब सिर्फ स्टूडेंट नहीं जाते लाइब्रेरी में, प्रोफेसर लोग भी जाते हैं, मतलब स्टाफ भी जाता है। स्टूडेंट के पास BT नंबर होता है, रोल नंबर होता है, स्टाफ के पास एम्प्लॉय ID होता है, तो वो डालते हैं। तो आपको खुद समझना है इस चीज़ को और उसके ऊपर से डायग्राम बनानी है। आपको मुश्किल लगे तो कोई इजी वाला पहले चूज करना और फिर मुश्किल वाला, ऐसा क्लियर? ठीक है, आपको क्या काम है? आपको मॉडल्स लगेगे, मुझे मुझे ये मॉडल्स वर्ड पैड फाइल में लगेगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बना के स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, वर्ड पैड फाइल बनाना, उसमें मॉडल्स ड्रॉ लिखना पहले क्या क्या मॉडल्स हैं, और उसके नीचे उसकी डायग्राम्स चाहिए मुझे हेडिंग डाल के, और वो वर्ड पैड फाइल मुझे आप भेजनी है, अपने नाम से भेजना, अपना नाम डालना, नाम से भेज, क्लियर? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।